हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मेरे प्यारे मैं पूछूँ को प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, और बढ़िया होने भी चाहिए डील। और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, मतलब कि ग्रेवी नहीं कहूँगी, भुर्जी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भुर्जी में होते हैं हम पनीर को मैश करके डालते हैं, इसमें मैं पनीर के पीसेस डालूँगी छोटे छोटे कर कर। तो आज मैं वो सब्ज़ी बना रही हूँ। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने जीरा डाला है, मटर डाला है और प्याज डाले हैं, और दोनों इकट्ठे ही डाले हैं। मैंने मटरों को बॉईल नहीं किया है क्योंकि मेरे को वो थोड़ा क्रंचीनेस सा चाहिए, जो कि ऐसे भुने हुए मटरों में टेस्ट अच्छे से आता है वो टेस्ट। और अगर हम उसको बॉईल करके डालते तो फिर वो मैश हो जाते हैं, उसका वो क्रंचीपन सा नहीं होता है। तो मुझे क्रंचीपन सा चाहिए था, जो कि मैंने मटरों को तेल में डाला, वो अच्छे से भून जाएंगे। जैसे कुछ लोग यूपी में मटरों को भून कर भी खाते हैं, नमक वगैरह डालकर, तो फ्राई कर कर, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरे को जस्ट वैसे ही थोड़ा सा क्रंचीपन चाहिए था, तो मैंने प्याज के साथ मटर डाले हैं, जो कि अच्छे से तेल में भून जाएंगे। जैसे जैसे प्याज भुनेंगे और वो भी भून जाएंगे, और वो ज़्यादा मैश नहीं होंगे। और इसमें मैंने डाली है 4-5 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डियर अपनी जितना भी मिर्च खाते हो उतनी डाल सकते हो आप। और इसमें डियर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डाला है, आपको वीडियो में दिख रहा है। और डियर आज मैं सिर्फ आपके साथ ये जो डेली रूटीन कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ मटर और पनीर की पीसेस वाली सब्जी, भुर्जी नहीं कहूँगी मैं, तो वो बना रही हूँ, वो शेयर कर रही हूँ, वो भी जो हम डिनर टाइम में बना रही हूँ मैं। तो डी फ्रेंड, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, एक बार ट्राई करोगे तो आप बार बार बनाने की इच्छा होगी आपकी। और इसमें मैं डालूंगी 2 टमाटर, उसको मैं चॉप कर कर डालूंगी, ऐसे काट कर नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर काट कर डालूंगी तो थोड़े मुझे मैश करने पड़ेंगे, और जिससे कि मटर दब जाएंगे, और फिर मुझे मैश मटर नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बॉयल भी नहीं किया। आप चाहे तो आप बॉयल भी डाल सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, बट अगर अब हम ऐसे डालते तो उसका एक डिफरेंट टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने जो मटर है वो चॉपर में किए हैं, आप चाहो तो इसकी प्यूरी भी मिक्सी में बना सकते हो। मैं इसे चॉपर में करूँगी ताकि वो थोड़े थोड़े दिखेंगे, प्यूरी बनाकर बिल्कुल ही, आपको पता है प्यूरी कैसी हो जाती है, तो मैंने वैसा नहीं किया। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्यूरी भी बना सकते हो। और यहाँ चॉपर थोड़ा चला नहीं है ठीक से, इसको मैं दोबारा से फिक्स कर कर चला रही हूँ। और जो ये भुर्जी पीसेस वाली सब्जी है मटर पनीर की, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, यम्मी बनती है। इसमें मैंने 1.5 पैकेट पनीर के लिए एक किए हैं, और आधा पैकेट मेरे फ्रिज में पड़ा है, तो मैं वो भी काट लूँगी साथ में। तो डियर, आप भी इस रेसिपी को बनाना और ट्राई करना, और बताना कि किस किस को कैसी लगी, क्या टेस्ट आई। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप ऐसे मटर डालते हो। और यहाँ पर जो हमारे टमाटर है डियर, वो और ये देखिए ये हो गए हैं, जीरा मैंने डाल दिया है, और यहाँ मैंने डाले हैं मटर और प्याज इकट्ठे, आप देख सकते हो। इसलिए डाले डियर क्योंकि जो प्याज है और मटर है, ऐसे अगर हम पनीर की भुर्जी में डालते हैं तो वो फिर पकते नहीं है, या तो बॉईल करके डालने पड़ते हैं ऐसे, तो इसी करके मैंने तलते हैं साथ में डाल दिए हैं, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े तेल में अच्छे भून जाएंगे। और उसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली है, आपको आपने देखा ही है काट कर। और ये 2 टमाटर है, नमक ऐसे ही डाल लेंगे सारा कुछ। ऐसे भी मटर प्याज की सब्जी बनाते हो, ऐसे टमाटर डाल के अगर पनीर नहीं डालना चाहते हो, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। आप पूछेंगे मटर गर्मी आ चुकी है, एक्चुअली हमने मटर निकाल के फ्रिज में स्टोर कर रखे हुए थे, अभी ये पड़े हैं, और अभी 1-2 किलो और भी पड़े हुए हैं, ये मैं फ्रिज में से ही लेके आई हूँ, और इसे फ्रिज में ही रखने जा रही हूँ।
यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पनीर के छोटे पीस काट रही हूँ, वैसे नहीं डालूंगी मैं मैश कर, क्योंकि फिर लेमन को थोड़ी तांपा खाती है, थोड़ी छांटी करनी होती है, आपको पता ही है। वैसे तो ये प्याज वगैरह आप खा लेता है, पर कई बार अगर इसका मुंह ना हो तो फिर ये बदल भी जाता है, तो हमें अपनी तैयारी करके रखनी पड़ती है। मम्मा आप मेरे वीडियो में हर वक्त ऐसे क्यों बोलते रहते हो, मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बेइज्जती नहीं होती, वो यूट्यूब फैमिली में कोई किसकी बेइज्जती नहीं है। होती है, ठीक है, अगर बेइज्जती है तो सब कुछ खाया करो फिर। ये यहाँ पर कट गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मटर भून गए हैं अच्छे से। और मैं इसको दूसरी साइड रख रही हूँ, क्योंकि एक साइड बनाने की तैयारी कर रही हूँ रोटी। और यहाँ पर एक साइड तवे पर रोटी बन रही है डियर, साथ में सब्जी, क्योंकि वो लगभग झटपट तैयार ही है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि मटर भुन चुके हैं आपने देखा ही है, प्याज भी होने वाले ही हैं, तो मैं ज़्यादा उसको डीप फ्राई नहीं करूँगी। और इधर मेरी चपाती भी हो रही है साथ साथ में, एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, झटपट रोटी और सब्जी, गर्मा गर्म खाने का आनंद ही कुछ और है डियर। तो यहाँ पर प्याज हो रही है डियर, मिला दूंगी टमाटर, और टमाटर को मैं अच्छे से पकने दूंगी। यहाँ पर एक सब्जी बन रही है, और ये देखिए इसमें आप ये सब्जी को ऐसे भी खा लीजिए, ये बहुत टेस्टी लगेगी। और मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, तो सॉरी पनीर, थोड़ी बहुत रोटी हो रही है, मैं इसको एक दो मिनट ऐसे ही होने दूंगी ताकि अच्छे से नमक मिर्च मिल जाए पनीर में। और यहाँ पर सब्जी हो गई है हमारी तैयार फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, यम्मी यम्मी। और मैं डालती हूँ प्लेट मम्मी की, और डियर ये लग चुकी है प्लेट मम्मी की, और इसमें है ये घिया रसमिसी, और ये पनीर की भुर्जी जो भी बनाई है, तो आप भी आ जाइए खा लीजिए खाना गर्मा गर्म रोटी के साथ। तो ठीक है डियर, मैं आपको मिलती हूँ कल एक और नए दिन एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, और मेरे प्यार मैं पुछो प्यार भरे धन निरंकार, हंसते रहो बसते रहो सदा खुश रहो, अपना ध्यान रखो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, क्योंकि घर में बुजुर्ग है तो रौनक है। तो ठीक है जी, धन निरंकार।